आष्टा में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा चाय चौपाल लगाई गई, जिसमें जनता को सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं इस दौरान भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा आष्टा विधानसभा के प्रभारी राजेश शिरोडकर, मंडल प्रभारी मनोहर सिंह मालवीय व स्थानीय विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय सहित जिला पंचायत अध्यक्ष गोपाल इंजीनियर व बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आष्टा के सिद्धिकगंज में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा चाय चौपाल लगाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक रघुनाथ मालवीय, जिला पंचायत अध्यक्ष गोपाल सिंह इंजीनियर सहित कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान स्थानीय विधायक रघुनाथ मालवीय ने जनता को शिवराज सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी एवं इसका लाभ लेने से वंचित रह गए लोगों के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं आष्टा विधानसभा प्रभारी राजेश शिरोडकर ने सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजनाओं के बारे में नई जानकारियों को स्थानीय जनता से साझा किया एवं उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को अति शीघ्र दिया जाए। इसके लिए मोर्चा के पदाधिकारी घर घर तक जाकर जानकारियां इकट्ठा करेंगे और वंचित हितग्राहियों को तुरंत इसका लाभ दिलाएंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में हितग्राहियों को पहली बार कई योजनाओं की जानकारियां मिली, जिसे लेकर उन्होंने खुशी जाहिर की है। हितग्राहियों ने मोर्चा प्रभारी एवं विधायक के सम्मुख विकलांग पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, खाद्यान्न पर्ची संबल योजना आदि योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपनी पात्रता को रखा। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अनुसूचित जाति मोर्चे द्वारा चाय चौपाल का कार्यक्रम रखा गया था। जाति मोर्चे में जोड़ने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब द्वारा और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो चलाई जा रही है गरीबों के हित में जो योजना है उनके बारे में बताएं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।